उड़ीसा में यहाँ पे आने का एक मौका मिला। बहुत क्रांतिकारी लोग उड़ीसा के, अक्षय भाई और इनके साथ में बहुत साथी ये फोन करते रहे कि यहाँ पाए यहाँ पाए। कई राज्य को होते हुए बहुत बाधाएं, जगह जगह रुकते हुए पुलिस प्रशासन इनको रोकते थे, बैठे रहे वहां पे और फिर आगे चलते रहे। तो ये सारे क्रांतिकारी जो किसान हैं यहाँ पे, वे सब लोगों का धन्यवाद है कि आपने दिल्ली के आंदोलन में आप हिस्सा बने। आप यहां पे भी बहुत लड़ाई लड़ते हो, पूरे देश में लड़ाई चली हुई है। दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर कर रखा हुआ है। मुद्दा भी पहला इशू अभी शुरू हुआ वो है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो MSP है, उसको दे दो। अभी हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की नहीं बात करी, अभी तो पहली सिटी है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में मार्केट भाव आएगा, उसके बाद में आएगा कि जो हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है। 1967 जब ये MSP लागू हुई, उस टाइम का हमको भाव चाहिए। उस टाइम का भाव क्या था, अगर हम गेहूं की बात करें, कणक की बात करें, 76 रुपए पर क्विंटल भारत सरकार ने रेट रखा और जो कर्मचारी था उसकी सैलरी 70 रुपया थी, तो एक महीने की तनख्वाह में एक क्विंटल अनाज नहीं ले सकता था। जो सोने का भाव था वो 200 रुपए का एक तोला था, तो 3 क्विंटल गेहूं बेच के, अपनी फसल बेच के हम 1 तोला सोना ले सकते थे। हमने एक प्रेस को कह दिया यही बात, तो उस प्रेस ने चलाया बड़े मोटे हेडिंग में कि किसान जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि मेरे गेहूं का भाव, मेरी फसलों का भाव 18,000 रुपए क्विंटल हो, ये तो पूरे देश को बर्बाद करेंगे। ये चलाई उसने खबर। हमने कहा कि हमने हिसाब मांगा है, हिसाब दिया है अपना। अभी तो हम उसी चीज पे लटक रहे कि जो उन्हें भाव तय करा, जो आज से 51-52 साल पहले भाव तय करे, हमको वही दे दो भाव। उस पर भी साफ बने कर दिया कि भाव नहीं मिलेगा आपको, ये किसान क्या करेगा, किसान तो बर्बाद होगा बिल्कुल। जो गांव के लोग हैं अपनी जमीन छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, वे यही चाहते हैं कि ये किसान अपनी जमीन छोड़ कर यहां से जाए, वो मजदूर बने, वो शहरों में झुग्गियों बस्ती में रहे, हमारी फैक्ट्री में काम करें, हमारे घरों के वहां चौकीदारी करें, वो यही तो चाहते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब संयुक्त मोर्चा आ गया है, इन्हें पूरे विभाग बेचे। जब किसानी का नंबर आया तो देश का किसान इकट्ठा होकर अब सामना आ गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं, जो दिल्ली कभी चारों तरफ से घिरी नहीं, बहुत मोर्चे उसके खाली रहते थे, अब की बार है कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है। कई लाख आदमी आज भी दिल्ली के चारों तरफ है, पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, अपने परिवार को वहां ले आए। जब 1 महीना और 15 दिन हुए तो ये लगता था कि चले जाएंगे, लेकिन जब 4 महीने हो गए तो ये लगा कि ये तो हमारा जन्म स्थल है, दिल्ली हमारा कर्म स्थल है, वो हमारी कर्म स्थली है, उसी से ही देश के किसानों को आजादी मिलेगी। जो दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर हैं, वे बॉर्डर मजबूत होंगे तो पूरे देश के किसान के भाग्य का फैसला उन किसानों के बॉर्डरों से होगा।
घबराने की बात नहीं। अब आप दिल्ली तक अपनी फसल को लेकर नहीं जा सकते, आपको अपने आंदोलन अपने जिलों में शुरू करने पड़ेंगे, अपने कलेक्ट्रेट में शुरू करने पड़ेंगे, अपने डीएम ऑफिस में शुरू करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको धरने शुरू करने पड़ेंगे, अपने जो धरना स्थल है वे बनाने पड़ेंगे। एक मैसेज जाए पूरे देश भर में, हजारों जगह आज भी धरने चले हुए हैं, बहुत जगह का पता भी नहीं कि वो पूरे जो संयुक्त मोर्चे की जो कॉल हो उसको फॉलो करते हैं लोग। महाराष्ट्र में गए तो वहां के लोगों ने बताया कि जो संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है हम उसको फॉलो करते हैं। राजस्थान के बहुत से जिले हैं कि वहां पर लोग बैठे हुए हैं, डीएम के ऑफिस में वहां पर बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, लोग धरने दे रहे हैं, जो संयुक्त मोर्चा कहता है उसकी बात को मानते हैं। सरकार अभी 2 महीने से बात नहीं कर रही, हम भी आदि हो गए। प्रेस के लोग पूछते हैं कि कब बात करोगे, हमने कहा कि हमको जरूरत ही नहीं है अभी, और हमको लगती है कि सरकार जो है वो सर्दी में गई थी किसानों के बीच से और सर्दी में ही वापसी आएगी। तो लोग कहते हैं कि इस तरह की बात क्यों करते हो, हमने कहा कि हमारे वहां पे मेले लगते हैं और मेले में अगर कोई गुम हो जाए तो अगले साल उसी मेले में आएगा, उसका परिवार भी आएगा, वो गुम हुआ व्यक्ति भी वहीं आएगा, तो उन दोनों परिवारों का मेल मिलाप वहीं होता है। इसीलिए सरकार सर्दी में गई तो सरकार सर्दी में ही मिलेगी। तो लंबे आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी हमको। देश से एमएसपी को खत्म करने का प्लान चल रहा, जो बीपीएल का जो कार्ड है ये खत्म होंगे धीरे धीरे। उनका कहना है कि जो मजदूर आदमी है, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो अनाज का वितरण प्रणाली है उसको हम सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे उसके खाते में, तो खाते में उसी तरह से करेंगे जैसे गैस की सब्सिडी आपके खाते में आई। अगर पीडीएस सिस्टम देश से खत्म होगा तो एमएसपी भी खत्म होगी। अनाज बड़े बड़े जो सेठ लोग होंगे, बड़े बड़े जो घराने होंगे, जो कंपनियां होगी उनके गोदामों में बंद होगा।